का स्थापना क्यों हुई थी और कैसे हुई थी। 2008 में आचार्य महाप्रज्ञ जी का यहाँ मर्यादा महोत्सव हुआ था, उसमें श्री रोशनलाल जी संचेती साहब को ये डायरेक्शन दिया था कि यहाँ पर आसिम को शिक्षा नगरी बनाने के लिए यहाँ कॉलेज की आवश्यकता है और आपको ये काम करना है। 2010 में काम शुरू हुआ और 2012-13 में इस महाविद्यालय का पहला सेशन स्टार्ट हुआ मात्र 129 बच्चों के साथ में, और ये सौभाग्य हमारे के डॉक्टर एनएस आनंद साहब को प्राप्त हुआ जो हमारे फाउंडर प्रिंसिपल रहे हैं। मुझे बताते हुए अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है कि जहाँ 2012-13 में मात्र 129 स्टूडेंट से ये महाविद्यालय शुरू हुआ था और आज यहाँ हमारे 1040 स्टूडेंट्स यहाँ कार्यरत हैं, यहाँ अध्ययनरत हैं, जिसमें सबसे बड़ी बात यह है कि बीए और बीएससी में सारी सीट्स फुल हैं, कोई सीट्स यहाँ खाली नहीं रहती हैं। 2013-14 और 14-15 में बीएड का हमने एक सेशन एक्स्ट्रा लिया और 2017-18 में बीएड का बीए और बीएससी इंटरग्रेटेड कोर्सेज हमने स्टार्ट किया। तो जो जिस उद्देश्य से महाविद्यालय की स्थापना हुई, बेसिकली वैल्यू एडिशन के साथ में आसिंध को शिक्षा नगरी बनाना और सभी बच्चों का सर्वांगीण विकास करने का मुख्य उद्देश्य था, और इस दिशा में हम लोग काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं। एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, इस महाविद्यालय में 1040 बच्चों में से 62% स्टूडेंट्स गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। जैसे कि रूरल बेल्ट होने के बावजूद यहाँ 62% की गर्ल्स स्टूडेंट्स पढ़ती हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है। आप सभी को विदित हैं ये आचार्य श्री महाप्रज्ञ इंस्टीट्यूट साधारण कॉलेज नहीं होकर के एक वैल्यू एडेड कॉलेज है, जहां दूर दूर से बच्चे आकर के पढ़ाई करते हैं, 100-100 किलोमीटर दूर से भी बच्चे यहां आ रहे हैं। इसका मुख्य कारण है कि हम लोग क्वालिटी एजुकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, न कि क्वान्टिटी एजुकेशन की तरफ। हमारे यहाँ पर क्वान्टिटी यदि होती तो हम लोग बहुत सारे एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन हमने उसको कभी भी प्रायोरिटी नहीं दी, हमेशा क्वालिटी पर ध्यान दिया। और आज हमारे यहाँ बहुत अच्छी फैकल्टीज काम कर रही है, सारे जो फैकल्टीज से लेकर के लेबोरेटरी से लेकर के जो सारी फैसिलिटीज़ है, मैं सोचता हूँ कि मेवाड़ अंचल में ऐसा कॉलेज आपको नहीं मिलेगा जो सुविधाएं हम लोग आपको यहाँ दे रहे हैं। इस मुकाम पर पहुँचाने के लिए बहुत जनों का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, मैनेजमेंट की तरफ श्रीमान रोशनलाल जी संचेती, आशा जी संचेती के साथ साथ कॉलेज के जो भी प्रिंसिपल्स हमारे यहाँ रहे हैं, डॉक्टर आनंद साहब, मेहता साहब से लेकर के सभी जुड़ों का इसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग रहा है। मैं उन लोगों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में भी आपका सहयोग हमें बिल्कुल मिलता रहेगा। और फ्यूचर प्लानिंग के रूप में आपको केवल ये विश्वास दिलाना चाहूँगा कि हम लोग यहाँ पर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स या वैल्यू एडेड क्वालिटीज़ एजुकेशन के साथ हम लोग नेक्स्ट ईयर से या कुछ सालों में स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें स्टार्टअप प्रोग्राम्स भी हो सकते हैं, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं, ऑनलाइन कोर्सेज हैं, पीजी कोर्सेज हैं और डिप्लोमा कोर्सेज हैं। ये हम बहुत जल्दी हम लोग स्टार्ट करेंगे ताकि बच्चों को रोज़गार से रिलेवेंट रोज़गार उनको मिल सके और एम्प्लॉयमेंट में उनको कोई दिक्कत नहीं हो। हम लोग प्रयास करते हैं कि बच्चों को एम्प्लॉयमेंट में हम लोग यहाँ कैंपस से इंटरव्यूज़ भी करवाते हैं, बाहर की कंपनीज़ को भी यहाँ कॉल करते हैं ताकि बच्चों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके। ये हमें बताते हुए बहुत अत्यंत हर्ष की विषय है कि यहाँ हमारे बच्चे जो पढ़े हैं 1,00,000 रुपये तक की सैलरी हमारे बच्चे यहाँ से ले रहे हैं, दूसरी जगह से ले रहे हैं। तो ये क्वालिटी एजुकेशन का ही एक बेनिफिट है जो हमारे स्टूडेंट्स यहाँ से निकल रहे हैं, इस लेवल तक पहुँच रहे हैं। उन्हें मैं आप सभी लोगों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ जो इस महाविद्यालय को इस ऊँचाई तक पहुँचाने में जिनका सहयोग रहा है, चाहे प्रत्यक्ष सहयोग चाहे अप्रत्यक्ष रहा है, उन सभी को मैं नमन करता हूँ और उनके सहयोग की अपेक्षा करता हूँ।